प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि देश की नई शिक्षा नीति अब युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज छोटे छोटे गांव कस्बों में आने वाले युवा पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं। ओलंपिक में ही देख लो अपने देश का परचम लहरा रहे युवा खिलाड़ी। आने वाले समय में ये नई शिक्षा नीति युवाओं को एक खुला आसमान देगी, जो जैसा उड़ना चाहेगा वैसे उड़ सकता है। साथियों, 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है, इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों पिंजरों से मुक्ति चाहिए। आप देखिए, आज छोटे छोटे गांवों से कस्बों से निकलने वाले युवा कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं। इन्हीं दूरदराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा आज टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे ही करोड़ों युवा आज अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं, असाधारण लक्ष्यों की नींव रख रहे हैं। कोई कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा है, कोई रोबोटिक्स के क्षेत्र में कभी साईफाई मानी जाने वाली कल्पनाओं को हकीकत में बदल रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं को नई ऊंचाई दे रहा है, तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टोन्स की तैयारी कर रहा है। यानी हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रिवोल्यूशनलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 में भारत के नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, इस युवा पीढ़ी को जब इनके सपनों के अनुरूप वातावरण मिलेगा तो इतनी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है, वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा, एआई ड्रिवन इकोनॉमी के रास्ते खोलेगा। शिक्षा में ये डिजिटल रिवॉल्यूशन पूरे देश में एक साथ आए, गांव शहर सब समान रूप से डिजिटल लर्निंग से जुड़े, इसका भी ख्याल रखा गया है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी एनडीआर और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एनईटीएफ इस दिशा में पूरे देश में डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराएगी। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।